चलिए, सो लेट अस गो अहेड। तो आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? वी आर डिस्कसिंग आर्थ्रोपोडा। क्लियर? सो दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये हम लोग उसका जो बॉटम पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जो सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल, तो समझ रहे हो, ये जो सेंस ऑर्गन्स है। ओके बाबू, तो ये कल हम लोग आपका डिस्कस करने रहे थे, सेक्स ऑर्गन, एनल सर्कस। ओके, सिंगुलर क्या है? एनल सर्कस। प्लूरल क्या है? एनल सरसाई। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, नाउ तो व्हाट इज दिस, यही हम लोग अभी लिखेंगे। ओके, नाउ उसमें आप लिखिए। तो ये जो फोटोज देख रहे हो, ये साइड व्यू है। आर यू एबल टू सी दिस? यस सर। ये साइड यस व्यू ऑफ कॉकरोच है, ये आपका डॉर्सल व्यू है या वेंट्रल व्यू कह सकते हो। ओके, तो ये आदर यार, ये बड़ा हेडेक करता है, ये जूम का ऊपर वाला। तो ये आपका जो है साइड व्यू है, लैटरल व्यू, एंड दिस इज सपोज डॉर्सल वेंट्रल व्यू ऑफ ए मेल, एंड उसी तरह ये फीमेल का है। ओके, तो फीमेल का एक और कलर से हम लोग करेंगे। नाउ इसलिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये गारंटेड क्वेश्चन होता है। प्लीज रिमेम्बर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? Now, ये क्या है? सो दिस इज एनल सर्कस, देख रहे हो, ये एनल सर्कस है एंड ये मल्टी सेगमेंटेड है, राइट? दिस इज मेनी सेगमेंटेड एंड दिस इज व्हाट, एनल स्टाइल। ओके, अनसेगमेंटेड, ठीक है जी। उसी तरह से तो अगर आप देखोगे मेल में, उसमें दो प्रोसेसेस मिलेगा आपको, एक है एनल स्टाइल, एक है एनल सर्कस। अंडरस्टूड? बट वही चीज अगर हम लोग फीमेल में देखेंगे, तो फीमेल में आपको क्या मिल रहा है? एनल स्टाइल सर्कस तो मिल रहा है, बट एनल स्टाइल नहीं है। यू आर ओनली फाइंडिंग द एनल सर्कस। तो इसीलिए नाउ यू नो हाउ टू लोकेट या फाइंड अ मेल फीमेल इन कॉकरोच। ये आप कॉकरोच का कर सकते हो, यस प्लूरल सर। का कर सकते हो, जब भी। ना प्लीज रिमेम्बर, जब भी कोई टीचर क्लास में टैक्सोनॉमी पढ़ाता है ना, उसके बैकग्राउंड में, जहन में एक एनिमल हर समय रहता है। तो व्हेन आई एम टीचिंग एनेलिडा, द एनिमल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अर्थवर्म। क्यों? पहले अर्थवर्म सिलेबस में था। व्हेन आई एम टीचिंग आर्थ्रोपोडा, द एनिमल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज व्हाट, कॉकरोच। कॉकरोच तो ये जो भी डाटा स्पेशली दिया होगा, क्योंकि वो जो है, क्या आप सोचते हो कि कोई भी ऐसा टीचर होगा दुनिया में जिसको फैन, तो जिसको फैन, तो जिसको ये जो आपका जो मैंने व्हेन एवर आई एम टीचिंग एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अरे अरे तुम्हारा मित्र बोलता है, ठीक है? तो व्हेन एवर आई एम टीचिंग विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर्थ्रोपोडा, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज व्हाट, हाँ बोलो। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या, कॉकरोच। ओके, तो इट इज ऑलमोस्ट, ये चार डाटा कार्ड तैयार कर, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉकरोच, कोई शक? तो नाउ तो आप समझ आ गया व्हाट इज एनल स्टाइल, एनल सर्कस। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि एनल सर्कस क्या होता है। सो एनल स्टाइल
ओके सो इसीलिए जब भी कोई चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं जहन में, तो आर्थ्रोपोडा के केस में इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉकरोच। ठीक है जी, चलिए नाउ अब ये जो कॉकरोच है, तो ये जो कॉकरोच ऑलवेज है उसको आपको भी याद रखना है ताकि ओके कि आपको कॉकरोच जहन में रखना है। चलिए सो नाउ लेट अस गो अहेड। तो ये जो हमारा है ओके तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सो दिस इज अबाउट द फीचर्स। ओके अब ये आपका यूनिक फीचर्स डिस्कस है, तो हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स है या नहीं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं। एक्चुअली ओके जनरल क्लासिफिकेशन ज्यादा रखा है मैंने इधर। ओके चलिए तो इसमें हम लोग एक पॉइंट ऐड करेंगे, ये जनरल फीचर्स है। ओके तो इसमें जनरल डिटेल इतना ज्यादा इसमें है नहीं, ये वाले नोट में। ओके तो और क्या नोट्स है देखते हैं जनरल में, पीछे पीछे होगा सर, एक्सेस कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ सब है एक्चुअली, द स्पेशल पॉइंट्स जो है वो तो पीछे है सकता। चलिए तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा। ओके चलिए सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, बट एक्चुअली बिफोर दैट मैं आपको एक जनरल फीचर बताना चाहूंगा जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना, दैट एक्चुअली जो आर्थ्रोपोड्स है ना, तो उनका जो बॉडी है उसमें जो है वो ढक्कन जैसा बना होता है, माने इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्लेट्स, एक्सोस्केलेटन, यस। तो वो इस तरह से प्लेट्स होगा, फाइन। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, तो अब उसको हम लोग साफ करेंगे कैसे। सो अब सो सपोज ये आपका एक, हमने इसको हटा दिया। ओके इधर एक हटा देंगे, इधर एक हटा देंगे। सो उसके बॉडी में चार प्लेट्स है, देख रहे हो, ऊपर एक प्लेट, साइड में दो प्लेट एंड ये। सो द आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन, ठीक है, सो द आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फोर स्क्लेराइट्स इन एवरी सेगमेंट, ठीक है। तो हर सेगमेंट में चार स्क्लेराइट्स बने होंगे, किस चीज के, काइटिनस, ठीक है। तो चार काइटिनस स्क्लेराइट्स होंगे इन ओके एवरी सेगमेंट, तो हर सेगमेंट में चार काइटिनस स्क्लेराइट्स होंगे, ठीक है जी। तो डॉर्सल स्क्लेराइट को हम लोग क्या कहते हैं, सो डॉर्सल वन इज कॉल्ड टर्गम, ओके टर्गम या टर्गाइट, ठीक है, टर्गम या टर्गाइट। उसी तरह से जो वेंट्रल वन है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम या ओके स्टर्नम या स्टर्नाइट, ठीक है सी, स्टर्नम या स्टर्नाइट। एंड जो साइड वाले को हम बोलते हैं प्लूरॉन या प्लूराइट, समझ रहे हो। तो इसलिए साइड दोनों है, तो ये प्लूराइट कितना होगा, ये दो ठो होगा। ओके सो दीज आर दी हार्ड स्केलेटन्स, ओके मीन्स
The whole body is not made up of a single plate. अगर सिंगल प्लेट होता क्या होता बोलो तो बोलो वो माचिस के डिब्बे जैसा होता अपेंडेजेस निकल नहीं पाते यस अपेंडेजेस निकल नहीं पाते उसमें आपस में मूवमेंट भी नहीं होता इट हैड बीन जस्ट लाइक ए मैच बॉक्स ठीक है तो वो मैच बॉक्स जैसे होता ठीक है जी नाउ बट अब तो अब हमें इसको क्या करना है बताइए तो हमें इनको मूव कराना है अदरवाइज तुम चार अलग अलग रख के भी क्या करोगे अंडरस्टूड सो इफ दे कैन नॉट मूव देन देयर इज नो एडवांटेज ऑफ हैविंग फोर है कि नहीं तो इसीलिए इसको मूव कराने के पास के लिए हमारे पास क्या होते हैं मसल्स होते मस्कल्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसको कहा जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स ओके सो दे कनेक्ट द स्क्लेराइट्स ओके तो ये स्क्लेराइट्स को कनेक्ट करते हैं तो व्हाट आर दे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन Okay, so what is the function of arthrodial membrane? They permit movement between the sclerites. Okay, they permit movement between the sclerites. ठीक है जी? So this is the concept of arthrodial membrane. Okay, now अब How to breathe? तो इसमें क्या होगा इस तरह से मसल्स होंगे इनको टर्गोस्टर्नल मसल्स बोलो समझ रहे हो क्यों बोलो टर्गम से स्टर्नम तक बस दे कनेक्ट द टर्गम एंड स्टर्नम तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बंद हो जाएगा The plates will come think, closer. Think, please think and always be sensible. और अकलमंद बात क्या करें? हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है? दो डायफ्राम होता है, फेनेस्ट्रेटेड डायफ्राम, है कि नहीं? एक ऐसा होता है बॉडी कैविटी में एंड एक ऐसा होता है तो ये फेनेस्ट्रेटेड डायफ्राम है तो ये कौन सा कैविटी हो गया PCS ये कौन सा कैविटी हो गया PVS ये कौन सा कैविटी हो गया PNS तो दीज आर द थ्री डिफरेंट कैविटीज तो इसलिए जब टर्गोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन द वॉल्यूम ऑफ दिस कैविटीज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो जब वॉल्यूम ऑफ कैविटीज डिक्रीज हो जाएगा उसके यहां स्पाइरकल्स होते हैं व्हाट आर द स्पाइरकल्स दे आर ओपनिंग्स ऑफ द ट्रैकिया ट्रैकियल सिस्टम ठीक है तो ये ट्रैकियल सिस्टम है एक्चुअली सो दिस इज द ट्रैकियल सिस्टम ये आपका ऐसे कोन जैसा होगा ट्रैकियल सिस्टम उस तरह से वहां भी कोन जैसा होगा ट्रैकियल सिस्टम एंड उसमें काफी सारे लाइंस होंगे सो दैट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ व्हाट दैट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ व्हाट ट्रैकिया आर्थ्रोपोड तो इसलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर क्या होगा इट विल एक्सपायर बाहर चले जाएगा ओके बिकॉज वॉल्यूम अंदर बढ़ जाएगा जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा एक्सपायरेशन हो जाएगा बट जब वो रिलैक्स करेगा तो क्या होगा वॉल्यूम घट जाएगा प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा तो हवा अंदर आ जाएगा तो अंडरस्टैंड इसलिए टर्गोस्टर्नल मसल्स किस में मदद करते हैं रेस्पिरेशन
सो दीज आर समथिंग सम स्टोरीज विच यू हैव ऑलरेडी रेड, तो वही चीज हम लोग को देखना है एक्चुअली, ठीक है जी। तो हम लोग वही चीज डिस्कस कर रहे थे जनरल फीचर्स में, तो रेस्पिरेशन ओके, इन्होंने हमने जनरली लिख दिया, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं ओके, तो इसलिए उनका रेस्पिरेशन किस में होता है ओके, तो बेसिकली उसका रेस्पिरेशन जो होता है वो किस तरह का होता है, मतलब जिस किसी में वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होगा, क्यों, देयर इज नो व्हाट, देयर इज नो रेस्पिरेटरी फ्लूइड, ठीक है, तो कोई भी रेस्पिरेटरी फ्लूइड नहीं होता है। चलिए तो ये आ गया हमारा स्पेशल डिस्कशन, ये सब आपको पढ़ना चाहिए ओके। सो दीज थिंग्स जनरली ये सब स्कूल्स में नहीं पढ़ते हम लोग, तो ये हमारा स्पेशल डिस्कशन का लेक्चर है। आज संकल्प आया ना नहीं आया, तो वो सोच रहा है क्या ना, तो स्कूल में पढ़ाया है इसलिए वो अभी छुट्टी मार रहा है एग्जाम के चक्कर में। चलिए तो अब देखिए माउथ पार्ट्स, तो हमने माउथ पार्ट्स का डिस्कस कर लिया था, दैट अलग अलग तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ओके, बताइए तो डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है हमारे, मैंडिबल ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स में लैब्रम, तो मैंडिबल आ जाएगा हमारा है कि नहीं, तो हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है वाला, हाईलाइटर आ जाओ, ये मैंडिबल आ गया, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स, लेबियम ओके, तो ये एक बार फोटो देख के आ जाते हैं ना एक्चुअली, आप फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये आ गया ग्रास ऑपर ओके, Do you enjoy this photograph? ठीक है, तो ये आपका grasshopper है and grasshopper is almost equal to cockroach in behavior. उसका जो details है, grasshopper cockroach almost एक जैसा है, दोनों ही में biting chewing mouth parts होता है, ठीक है, तो both have biting and chewing mouth parts. तो आप देखिए ये आपका head है and ये है thorax and ये है abdomen. Visible to all of you or not? Yes, sir. Yes, sir. So head, thorax, abdomen. तो अब हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ हेड पे, तो इसलिए हेड पे आपको क्या क्या चीज मिलेगा बताइए, तो अरे सब तरह का लफड़ा गया, कलर सिलेक्ट करो। चलिए तो आप देखिए, तो ये आप देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो है माउथ पार्ट्स, बट वॉट इज दिस, ये वाला, सो दिस इज कॉल्ड लैप्रम, ये ऊपर वाला, ये जो जूम वाला विंडो दिखा, ये देख रहे हो, सो ये आपका लैप्रम है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लैप्रम या अपर लिप, जो एकदम सामने है उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉन्स। आप देखो ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, दिस इज इक्वल टू कॉकरोच, तो कॉकरोच में भी वही चीज आप बोल सकते हो, जो फ्रंट में है वो है फ्रॉन्स, जो ऊपर हेड है रूफ बनाता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, साइड में गाल है उसको जीना बोला जाता है, तो यहाँ एक जीना है, इधर भी एक जीना है ओके। चलिए तो आप ये आप देख रहे हो माउथ पार्ट्स, तो सबसे ऊपर लैब्रम है, तो लैब्रम के बाद होगा आपका क्या, मैंडिबल, ठीक है, तो मैंडिबल इसमें बाइटिंग च्यूइंग टाइप है, इसलिए उसमें दांत होते हैं, धार, सो वेरी शार्प एज, तो उसको आप लोग डेंटिस या टीथ भी कह सकते हैं, तो इसलिए अगर आप किसी ग्रासोपर को या किसी ग्रास कॉकरोच को पकड़ लो और उसको घास खिलाओ तो आप देखोगे वो आराम से खाएगा वो घास, ठीक है, इट विल ईट द ग्रास, देयर इज नो डाउट, समझ आया, तो वो ग्रास को खाएगा। उसके बाद ये जो है, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला ओके, सो दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला, तो फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला क्या करता है, मैंने आपको क्या बोला था,
वो फीडिंग लेग्स है, इसके हाथ तो होते नहीं है, तो खाएगा कैसे? वो ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला है एंड ये सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिला है, बट ये फ्यूज्ड है एंड ये लोअर लिप्स बनाता है. देख रहे हो कि नहीं? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, आर यू एबल टू सी? यस सर. देख रहे हो? तो इसलिए ये अनफ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है एंड ये सबसे नीचे होता है माउथ में, इसलिए उसको लोअर लिप हम बोलते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द लोअर लिप. आया समझ? So, yes, this is the concept of what? So, this is the concept of mouth parts. And since usme daant hai, isko biting and chewing type bolte hain, jo ki cockroach and grasshopper mein milta hai. Theek hai? To ye jo hai, ye kya hai? Ye uska thorax hai. So, this is the thorax. So, thorax mein teen hisse hote hain. Prothorax, mesothorax, एंड मेटाथोरैक्स. इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो है प्रोथोरैक्स. इसलिए जो थोरैक्स है उसके टर्गम को हम लोग नोटम भी बोलते हैं. ओके, टर्गम इज इक्वल टू नोटम, ये याद रखना. तो इसीलिए विच इज द लार्जेस्ट स्क्लेराइट अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे? किसी भी एनिमल का सबसे बड़ा स्क्लेराइट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? प्रोनोटम. नहीं, सारे सेगमेंट एक जैसे होंगे. ओके, ऑलमोस्ट क्लोज बाय शेप, बट जो प्रोथोरैक्स है वो सबसे बड़ा सेगमेंट होगा. एंड अगर आप कॉकरोच को देखोगे तो प्रोथोरैक्स का जो टर्गम है वो इतना बड़ा होगा कि क्या होगा, वो बाकी दोनों को ढक देगा, छुपा देगा. सो इट विल बी हाइडिंग द अदर. तो इसीलिए दैट इज द कंसेप्ट. ओके, तो ये आपका प्रोथोरैक्स हो गया. तो इसलिए अगर कोई कौन सा स्क्लेराइट सबसे बड़ा है बोलने से आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे प्रोनोटम, मतलब प्रोथोरैक्स का टर्गम. नाउ यहाँ आप देख रहे हो तीन पेयर ऑफ लेग्स हैं, तो प्रोथोरैक्स के लेग को प्रोथोरैसिक बोला जाता है, मिजोथोरैक्स के लेग को मिजोथोरैसिक बोला जाता है एंड मेटाथोरैक्स के लेग को मेटाथोरैसिक लेग बोला जाता है. बट सबसे बड़ा लेग कौन सा है आपका? लगा तो दैट इज कॉल्ड मेटाथोरैसिक लेग. तो सबसे बड़ा लेग कौन सा है? मेटाथोरैसिक लेग. क्लियर? तो ये एक डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ओके, सो ये आपका है, तो ये आपका लाइफ साइकिल है, देख रहे हो. सो हियर वी आर सीइंग टू लाइफ साइकिल्स, एक लेफ्ट साइड में एक लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो, राइट साइड में एक लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो. इस वाले लाइफ साइकिल में क्या देख रहे हो आप बोलो? एग is becoming larva, larva is becoming pupa, and pupa is becoming adult. ठीक है? तो leg becoming larva, egg becoming larva, larva changing into pupa, and pupa changing into adult. तो इस तरह के metamorphosis को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो. So this is called holometabolous. What is holometabolous? Complete metamorphosis. माने अच्छे तरह से फेर बदलाव होता है. Very properly things are changed. कोई जल्दबाजी नहीं किया गया है. Okay? So इसको हम लोग holometaboly बोलते हैं. But लेफ्ट केस में आप क्या देख रहे हो? एग बनता है निम्फ वन, निम्फ वन बनता है निम्फ टू, निम्फ टू बनता है निम्फ थ्री एंड सो ऑन, फिर अल्टीमेटली जाके क्या बनता है? एडल्ट. मतलब इसमें ना तो कोई लार्वा है और ना ही कोई प्यूपा है एंड एटसेट्रा.
ये लार्वा नेम्फ क्या है वो जब हम लोग बाद में पढ़वाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए इस मेटामॉर्फोसिस में देयर इज नो प्यूपा लार्वा कंसेप्ट, ओके, कोई भी प्यूपा लार्वा कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेजुअल या पोरो मेटाबोलस, समझ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल या पोरो मेटाबोलस, जबकि इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड होलो मेटाबोलस या टोटल या कंप्लीट, अंडरस्टूड, होलो टोटल या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कोई शक बताइए? सर चलिए, नो सर, एक्चुअली क्या ना, मेरा बहुत मन किया था कि आप लोगों को दूं बहुत चीज, बट फिर वो आप लोग बदतमीज हो जाते हो, तो फिर वो मैं छोड़, फिर मैं भी बोलता हूँ छोड़ो, जब इन्हीं लोग को कुछ सीखना नहीं है तो मैं दे दे के फायदा क्या है। देखो, गुरु उस शिष्य को दान देता है अपना सर्वस्व जो उसकी भक्ति करता है कि नहीं। अब तुम लोग सिर्फ काम से मतलब रखते हो और तो फायदा क्या है, तो इसलिए आपका प्रॉपर गुरु भक्ति जिस दिन होगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। भाई ये सब चीज तुम्हारे लिए ही तो मैं बनाता हूं ना, फिर आपको देता क्यों नहीं, बिकॉज आपके भक्ति में वो शक्ति नहीं आया है। Am I wrong? बोलो रोहित राज, बताइए। तो इसलिए जिस दिन आप देखो, अभी पूछने से भी हाँ कि नहीं नहीं बोलते हो, तो इससे बड़ा बदतमीजी क्या है बताओ, तो लाइक है, तो इसीलिए सर वो हमारा अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, वो जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है उसका उसका माफी कोई नहीं दिया जाएगा। ओके चलिए, नाउ सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपका स्काई सेंटीपीड्स है, ये जो स्पेशल चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ ये देखिए, सो दिस इज अनदर ब्यूटिफुल कंसेप्ट, ये क्रेफिश, ओके, दिस इज क्रेफिश, तो ये एक एक्वाटिक एनिमल है, एंड कैन यू टेल इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, आप देख रहे हो सेफलोथोरैक्स है कि नहीं, जब आप सेफलोथोरैक्स देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये इसमें आपको क्या मिल जाएगा, head and thorax is fused to form what, so head and thorax is fused to form cephalothorax, so this is the cephalothorax, wahan visible bhi hai to yaar bada disturb karta hai, so this is dekh rahe ho, so ye aapka hai cephalothorax, fine, so head and thorax are fused to form cephalothorax, clear, uske baad kaun kaun se सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं बताइए, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एबल टू सी, अपेंडेजेस बोलो, इज इट विजिबल टू यू आर नॉट क्लियरली, यस सर, यस सर, हां बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको, टर्गम, अरे टर्गम वर्गम छोड़ो, अपेंडेजेस, वॉकिंग लेग्स, चेलीपॉड, एकदम ऊपर से आओ, स्टार्ट फ्रॉम हेड, हर समय फीडिंग अपेंडेजेस, एंटीना, यस, सबसे पहले आ गया आपका एंटेना, आई स्टॉक आ गया, देखो आई स्टॉक, फिर एंटेना, तो कितने एंटेना है, दो एंटेना, दो एंटेन्यूल, तो दो एंटेन्यूल, यस, तो टू पेयर्स, उसको एंटेन्यूल मतलब छोटा होता है तो इसीलिए, बट वो भी एंटेना ही कहलाता है, तो इसीलिए दो पेयर ऑफ एंटेना, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ा था बताइए, क्रस्टेशिया, तो क्रस्टेशिया में आपको टू पेयर ऑफ एंटेना मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था एंड अभी आपको दिखा दिया, ठीक है सी, सो ये एंटेना है एंड एंटेन्यूल है, तो टू पेयर ऑफ एंटेना, फिर ये कंपाउंड आई आ गया, ओके, आप देखो फीडिंग अपेंडेजेस आ गया मैक्सिलिपीड,
ये क्या है? चेलेट लेग। इसको हम लोग चेलेट लेग बोलते हैं या चेला बोलते हैं। तो चेला क्या करता है मालूम है? दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइटिंग एंड डांसिंग। ओके, तो जब इनका प्रेम प्रसंग हो जाता है किसी से, तो जिस तरह आप भी जाकर क्या करते हो, तो आप भी जाकर डांस करते हो। ओके, बॉल डांस, यू रिमेम्बर और नॉट? तो इसलिए वो लोग भी बॉल डांस करते हैं। तो दैट इज व्हाई चेला इज आइदर फॉर डिफेंस फाइटिंग या फॉर बॉल डांस। तो ये जो बॉल डांस का एक टेक्निकल टर्म है उसको कहते हैं पैलेमडेन्यू। ये स्कॉर्पियंस में बेसिकली देखा जाता है। ओके, बट दे आर ऑल्सो यूज फॉर फाइटिंग इट आउट। ठीक है, तो ये आपका चेलेट लेग है एंड ये सारे आपके हैं वॉकिंग लेग्स। तो वॉकिंग लेग्स का नाम क्या है? पैरियोपॉड, PAREOPOD। ओके, तो एक्चुअली बायोलॉजी में PAE या POE का स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन पे होता है, PE। तो आप PAE को भी PE लिख सकते हो, POE को भी PE लिख सकते हो। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पेरियोपॉड्स। तो वॉकिंग लेग्स को क्या कहते हैं? पेरियोपॉड्स। स्विमिंग लेग्स को क्या कहते हैं? प्लियोपॉड्स। एंड ये आपका टेल, ये रडर है। रडर, रडर क्या करता है बोलो? डायरेक्शन देने। ओके, जब हम लोग बोटिंग करते हैं एक हाथ से एक रडर को पकड़ा रहता है एक बंदा, याद है? तो उसको घुमाने से बोट घूमता है। सो दैट इज कॉल्ड द रडर। तो इसलिए जो यूरोपॉड है इट फंक्शंस एज द रडर। ये क्या करता है कि गाड़ी घुमाने में मदद करता है। प्लस एक शार्प सा टेल्सन है, दिख रहा है टेल्सन? तो टेल्सन आपका पंक्चर करने में मदद करता है। आओगे तो घुसा दूंगा, पता चलेगा। ठीक है, इट इज बेसिकली ए पंक्चरिंग डिवाइस। ठीक है, एंड यही पंक्चरिंग डिवाइस से आपका कोन क्या करता है बताइए? स्कॉर्पियन काटता है। यस, स्कॉर्पियन आपको डंक मारता है। ओके, कांटा लगा फिर आप गाना गाते हो। तो जब स्कॉर्पियन डंक मारता है फिर आप कौन सा गाना गाते हो? कांटा लगा। चलिए, अब ये जो सेफेलोथोरैक्स का जो छिलका है उसको हम लोग कैरापेस बोलते हैं। एंड टर्गम्स तो आप देख ही रहे हो, आराम से टर्गम देख रहे हो, फिर साइड में प्लूरॉन भी दिखाया है, ठीक है? नहीं उल्टा कर दोगे तो आपको आपको स्टर्नम भी दिखेगा। ठीक है जी, चलिए ये आपका क्रेफिश का एक फोटोग्राफ हो गया है। ऐसे आपको हर चीज का एक दिखा दे रहा हूं मैं, और कोई फोटो तो नहीं था। ये देखो, ये आपका है क्या? दिस इज योर किंग क्रैब या लिम्यूलस। तो लिम्यूलस में भी ये क्या होता है बड़ा वाला बोलो? सो दिस इज ऑल्सो सेफेलोथोरैक्स। ठीक है, तो सेफेलोथोरैक्स का जो ढक्कन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कैरापेस। ठीक है जी, तो इसलिए क्रैब में भी जब हम लोग खाना खाएंगे तो जब मम्मी क्रैब बनाती है तो वो क्या करती है? कैरापेस को छील देती है। ओके, तो कैरापेस के छील कर वो आपके लिए उसका मटन निकाल कर क्रैब बनाती है। ठीक है, सो दिस इज द केस। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं किस में? तो इसमें देखो, इसका कितना लंबा टेल्सन है, देखो, देख रहे हो? इट्स अ लॉन्ग टेल्सन। ठीक है, चलिए, तो इसको आगे पढ़ेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग माउथ पार्ट्स पे फोकस करते हैं। तो देखिए, तो माउथ पार्ट्स में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ओके, सो आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप क्या होता है? माने दिस इज फाउंड इन इंसेक्ट्स बेसिकली। तो ये लोग काट कर चबाएंगे, जो भी चीज दोगे वो काट कर आराम से खाएंगे, इसलिए उनके मैंडिबल में क्या होगा? दांत जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो मैंडिबल लुक्स लाइक टीथ। ओके, तो मैंडिबल विल लुक लाइक। ओके, उसके बाद मस्कीटो में क्या होगा? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप।
पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का मतलब क्या है? वो पंक्चर करेगा पाइप से सर, एंड सक करेगा क्या आपका खून। ठीक है सी, सो दिस इज बेसिकली फाउंड इन योर सैंगिवोर्स लाइक मस्किटो, बेड बग एक्सेट्रा। बट मेल मस्किटो में क्या होता है? तो मेल मस्किटो में आपका मैंडिबल जो है वो नहीं होता है, समझ रहे हो? इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो प्लांट जूस पीते हैं, तो ब्लड को सक नहीं करते। ओके, सो दे डोंट सक ब्लड, अंडरस्टूड? चलिए, तो अब जब वो लोग सक करेंगे तो उनके सलाइवा में क्या होता है? हीरोडिन या हेपरिन होता है, जो एक एंटीकोएगुलिन एंटीकोएगुलेंट है, तो जो ब्लड को क्लॉट करने से होती है। अंडरस्टूड? सो दे विल प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉट। कोई शक? चलिए, अब स्पॉन्जिंग टाइप का मतलब क्या होता है? वो स्पॉन्ज करता है, वो जब आपके बॉडी में लगेगा ऐसे लगेगा जैसे गुदगुदी हो रहा है। अंडरस्टूड? तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गुदगुदी हो रहा है। फाइन, सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पानी गिरा हुआ है आपके टेबल में, तो आप क्या करो, एक स्पंज लेके दबा कर उस पानी पे रख दो, तो क्या करेगा वो पानी? कर देगा, वो पानी को सक कर जाएगा। तो सेम थिंग करता है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई के पास मैंडिबल नहीं होता है। तो याद रखेंगे, तो हाउस फ्लाई का जो माउथ पार्ट है, दे डोंट हैव एनी मैंडिबल, तो इसीलिए वो ना तो पियर्स कर सकते हैं ना सक कर।